Hi everyone, I am Garima and welcome to my channel. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल मसाज टेक्निक शेयर करने वाली हूँ. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. हेयर केयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें. तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं. तो ये हम सब ने सुन रखा है कि जापानीज लोग राइस वाटर का यूज करते हैं एज ए टोनर अपने फेस पे और राइस फ्लावर का यूज करते हैं एज ए फेस मास्क, जिसकी वजह से उन लोगों की स्किन इतनी फ्लॉलेस होती है, इतनी क्लियर होती है, इतनी ग्लोई होती है, यहाँ तक कि पोर्स भी नजर नहीं आते जापानीज लोगों की स्किन पे. लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सिर्फ वाटर राइस वाटर का यूज करने से ऐसा नहीं होता है. वो लोग एक बहुत ही स्पेशल मसाज भी करते हैं अपनी स्किन पे, जिसकी वजह से उन लोगों की स्किन इतनी क्लीन, क्लियर, पोरलेस होती है. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जापानीज लोग कौन सा स्पेशल मसाज करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की स्किन इतनी ज्यादा अच्छी होती है. मैं तो एक साल रही भी हूँ जापान में, तो सच में वहाँ के लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है. लोग जो बूढ़े होते हैं लाइक 60 ईयर्स के होते हैं, उन लोगों को भी आप देख के स्किन देख के आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो लोग 60 ईयर्स के हैं. वो लोग 30 ईयर्स के, 35 ईयर्स के मैक्सिमम लगते हैं. तो आज की जो मसाज है वो तनाका मसाज है. और ये जो तनाका मसाज है, वहाँ की जो सेलिब्रिटीज की जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं उनका नाम है तनाका, उन्होंने ही इन्वेंट किया था इस मसाज को, जिसकी वजह से इसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया है. तो चलिए देखते हैं कि ये मसाज कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप. तो मसाज करने के लिए मैंने लिया है आलमंड ऑयल. आप भी कोई ऑयल या फिर कोई अपनी फेवरेट क्रीम ले सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही मत मसाज करिएगा, नहीं तो उससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा स्किन को. ओके, तो इस मसाज को करने से पहले अपने हाथ में अगर आपने कोई रिंग पहनी है तो उसे उतार लीजिए, हाथ क्लीन कर लीजिए. तो अगर नाखून आपके बहुत बड़े बड़े हैं तो नाखून भी ट्रिम कर लीजिए, क्योंकि मसाज करते वक्त हो सकता है कि आपको कहीं स्क्रैच आ जाए चेहरे पे. तो ये मसाज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो नीचे होता है और मैक्सिमम लिम्फ नोड जो होते हैं वो इधर होते हैं, ईयर के पास और गले में मैक्सिमम यहाँ होते हैं. तो इस मसाज का मेन पर्पस ये है कि जो भी आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा लिक्विड है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है, पफिनेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको मिनिमाइज किया जाए. तो इस मसाज में आप देखेंगे कि हमेशा कहीं से भी आप मसाज करेंगे तो मैं यहाँ से करके यहाँ तक लाऊंगी, क्योंकि जो भी एक्सेस लिक्विड है वो यहाँ से करके ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में वापस चला जाएगा, इसीलिए ऐसा करना है. बाकी तो जो मसाज होती है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, बट इधर लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसलिए मैं यहाँ से करके ऐसे करूँगी. इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं मसाज डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही हूँ. सबसे पहले तेल लेके ऐसे ऐसे कर लीजिए ताकि आपके पूरा चेहरा जो है मॉइस्चराइज हो जाए, ताकि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो. ओके, तो मैं पहले जा रही हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप करूंगी और अपने लिम्फेटिक सिस्टम को, तो उसके लिए आपको ऐसे करना है. लिम्फेटिक सिस्टम को वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और जब हम लोग मसाज करें तो अपना काम अच्छे से कर पाए. अब मैं जा रही हूँ अपने फोरहेड पे मसाज करने. तो तीन फिंगर लीजिए, तीन फिंगर, और ऐसे बीच में फोरहेड के बीच में प्लेस करनी है अपनी फिंगर्स को. फिर यहाँ पे टेम्पल्स पे थोड़ा सा प्रेशर देके फिर वापस लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ, जहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ की तरफ ऐसे करके नीचे जाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड है वो वापस लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाए. तो अब मैं जा रही हूँ आई का मसाज करने और उसके लिए मैं मिडिल फिंगर लूंगी. तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे राउंड बनाएंगे, फिर क्या करना है ऐसे जाइए, वापस बैक हो जाइए दूसरे कॉर्नर पे, टेम्पल पे थोड़ा सा प्रेशर देके फिर लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ आपको मसाज करना है. फिर से वहीं से शुरू करना है, एक कॉर्नर से शुरू करिए, फिर सर्कल बना दीजिए, फिर लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ आपको वापस आना है. तो ये अगर आपको पफिनेस की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 5 बार रिपीट करिए, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पफिनेस की तो आप 3 बार इसको करिए. तो अंडर आई में जो पफिनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो आई बैग्स बन जाते हैं, तो इस मसाज को करने से जो आई बैग है वो खत्म हो जाएगा और पफिनेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी.
तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग स्माइल करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है और टाइम के साथ साथ यहाँ पे एक रिंकल जैसा बन जाता है, यहाँ पे लाइन बन जाती है। तो उसका मसाज मैं करने जा रही हूँ ताकि यहाँ पे जो भी रिंकल्स बनते हैं, लाइंस बनती हैं, फाइन लाइंस बनती हैं, वो खत्म हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो चिन है इसके मिडिल पे ऐसे प्रेशर देना है, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है। तो मसाज की एक और वीडियो मैंने शेयर की है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर और ग्लोई बनाती है, तो वो डिफरेंट टेक्निक है और बहुत इफ़ेक्टिव है वो भी। तो मैं उसका लिंक जो है स्क्रीन पे ऊपर ऐड कर दूंगी, तो आप उसको भी चेक करिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज हो पाए मसाज का और आपको पूरा बेनिफिट मिल पाए। मैं जा रही हूँ नोज़ का मसाज करने, तो नोज़ के अराउंड जो भी प्रॉब्लम होती है पफिनेस की वो ख़त्म होगी, साथ ही में एक हंसते वक्त यहाँ से यहाँ तक निशान बन जाता है और फिर वो निशान जो होता है धीरे धीरे करके परमानेंट हो जाता है, तो उसको ये जो है वो रिड्यूस करता है। साथ ही में नोज का जो आर्क है उसको भी शेप देता है ये मसाज, और जो मसल्स होती है नोज के उसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इससे नाक आपकी छोटी नहीं होगी, लेकिन अगर आप हमेशा इसको इस मसाज को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जो पफिनेस है वो खत्म होगा, साथ ही में जो शेप है नाक की वो अच्छी होगी। तो इस मसाज को करने के लिए मैं अपना मिडिल फिंगर का यूज़ करूँगी और जो नोज़ की विंग्स है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। इससे जो नाक के पास एक्स्ट्रा फैट होगा वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं नोज़ की जो आर्क होती है उसको मैं शेप दूंगी, तो ऐसे करने से नोज़ की जो शेप है वो इम्प्रूव होती है धीरे धीरे। तो पूरी नोज़ की जो लेंथ है सब पे मसाज करूँगी, तो उससे जो मसल्स है नोज़ की वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। अब मैं जा रही हूँ नाक के पास इधर साइड मसाज करने, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट होगा उस वो खत्म होगा ये मसाज करने से। साथ ही में नज़र लोब यू फोल्ड्स होता है जो यहाँ पे ऐसे पड़ जाता है, रिंकल जैसा पड़ जाता है, हमेशा निशान पड़ जाता है, वो खत्म होगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा प्रेशर देना है, लिम्फैटिक जो पाथ है उसको जरूर फॉलो करना है। तो इस मसाज को आपको 3 बार रिपीट करना है। और अब मैं अपने चीक्स का मसाज करूंगी, तो उसके लिए मैं एक चीक को होल्ड करूंगी अच्छे से एक हाथ से और दूसरे हाथ से डायगोनल मोशन में मसाज करना है और होल्ड करना है। तो इस मसाज को करने से जो चीक्स के अराउंड एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड होता है वो रिड्यूस होता है और साथ ही जो कॉन्टूर होता है चीक बोन्स का वो इम्प्रूव होता है और शार्प होता है। तो इस मेथड के लिए पहले डायगोनली स्टार्ट करना है और आई के कॉर्नर तक जाना है, फिर थोड़ी देर होल्ड करना है चीक बोन्स को, फिर उसके बाद इसे स्वीपिंग मोशन में कान के पास तक आना है, फिर लिम्फेटिक पाथ को फॉलो करना है। अब दूसरे गाल का मसाज करना है, तो प्रेशर अप्लाई करना है लेकिन उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है जितने में कि आप कंफर्टेबल हो, आपको पेन ना हो। तो इस गाल पे भी ठीक वैसे ही मसाज करना है जैसे मैंने पहले वाले गाल पे किया था, और आप थोड़ा ध्यान से स्टेप देखिए, 2-4 बार में आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। ये 2 फिंगर्स को यहाँ पे चिन यहाँ पे मिडिल में प्लेस करना है और फिर नोज से होते हुए आई का जो कॉर्नर है वहाँ तक जाना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। तो इस मेथड को आप 3 से 5 बार रिपीट करिएगा और ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रिंकल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। जो लिम्फ पाथ है उसको ज़रूर आपको फॉलो करना है। तो ये मसाज जहाँ मैंने हाथ रखा है वहाँ से लेके और ये जो चिन है वहाँ तक प्रेशर अप्लाई करके ऊपर तक टेम्पल्स के पास तक जाके फिर उसके बाद लिम्फ पाथ जो है उसको फॉलो करना है नीचे की तरफ। तो इस मसाज को करने से जो चीक और चिन के अराउंड जो एरिया है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, वहाँ पे स्टोर्ड फैट होता है या फिर रिंकल्स होती है तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम लोग थंब का और पाम का यूज़ करने वाले हैं और इसको भी 3 बार रिपीट करना है आपको। इस मसाज को करने के लिए हम लोग अपने थंब का और पाम का यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग जॉ लाइन से होते हुए अब टेम्पल्स तक जाएंगे, फिर टेम्पल से लिम्फेटिक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसको करने से जॉ लाइन के पास जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो ख़त्म हो जाता है और जॉ लाइन शार्प होती है। थेड को भी 3 बार रिपीट करना है, लेकिन अगर आपके जॉ लाइन के पास बहुत ज़्यादा फैट है तो आप इसको 5 बार रिपीट करिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ और यहाँ पे जो फुल फेस पे जो फैट होता है उसको रिड्यूस कैसे करना है उसका मसाज करने। तो यहाँ और यहाँ पे हम लोग प्रेशर डालेंगे, तो उसके लिए मैं
ऐसे मोशन का यूज करूंगी, तो फिर आपको लिम्फेटिक पाथ जो है वो जरूर फॉलो करना है। तो ये चीक और चिन से होते हुए टेम्पल्स की तरफ जाना है और प्रेशर अप्लाई करना है, लेकिन उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हो। फिर टेम्पल्स तक जाके फिर वही लिम्फेटिक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आना है, और इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है, लेकिन ज़्यादा फैट है तो 5 बार। जो फोरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं उसका मसाज मैं करने जा रही हूँ, तो उसके लिए फेस को स्टडी करने के लिए, मीन्स थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, एक हाथ से मैं ऐसे पकड़ लूंगी और दूसरे हाथ से लेफ्ट एंड राइट मोशन में। तो फोरहेड पे आपको लेफ्ट एंड राइट मोशन में ऐसे ही मसाज करना है थोड़ी देर। तो अब हम लोगों ने जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म करेंगे, तो यहां से शुरू किया था यहीं से खत्म करेंगे। ये है आपका लिम्फेटिक पाथ, तो इसको जरूर फॉलो करना है आपको। तो ये मसाज अब हम लोगों की खत्म हो चुकी है। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार आपको जब स्टेप्स याद हो जाएंगे तो बस 3 मिनट 5 मिनट लगेगा, और अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।